हेलो फ्रेंड, नमस्कार और आदाब दोस्तों। हमारे एस टी न्यूज़ चैनल पर सभी पर्स पीड़ित साथियों का हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप इस वक्त यूट्यूब चैनलों पर जो रिपोर्ट देख रहे हैं कि सेबी ने पैसा देना शुरू कर दिया है या सेबी पैसा देने वाली है, इस तरह की जितनी भी इस वक्त न्यूज़ चल रही हैं वो सारी फेक न्यूज़ें अखबार, दैनिक अखबार और कुछ साइडों की हैं, जिनको आपको बार बार ऊपर नीचे कर कर दिखाया जा रहा है। जबकि सेवी विभाग की साइट पर अभी तक पैसे देने की कोई नोटिफिकेशन, सूचना हमारे तक नहीं आई। और हम ही अगर आपसे कहने लगे कि सेवी ने दे दिए, नहीं सूचना ये है वो है, और उसमें हम दूसरी साइडों की नहीं दिखा दें कि सेवी ने पैसे देने शुरू कर दिए, तो दोस्तों ये आपके प्रति ईमानदारी नहीं होगी, बेईमाना होगा। तो दोस्तों हकीकत यही है कि जितने भी इस वक्त न्यूज़ दिखा रहे हैं कि सेबी ने पैसे देना शुरू कर दिया है, तो अभी तक किसी तरह की कोई नोटिफिकेशन हमारे पास सेबी वेबसाइट से नहीं आई। तो दोस्तों अभी पैसे मिलने का कोई प्रोसीजर हमारे सामने नहीं आया, तो हम आपसे कोई झूठा आश्वासन नहीं दे सकते। अलबत्ता ये ज़रूर कहेंगे कि जल्दी ही कोई नई अपडेट सेबी ज़रूर देगा, ताकि हम लोगों को पता चल सके कि किस तरीके से हमारे पैसे की पेमेंट देना शुरू की है। और दोस्तों अभी ऊँट किस करवट बैठता है ये भी कुछ नहीं पता, क्योंकि जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपसे बताया था कि सेवी विभाग अभी आपकी बॉन्डों की गणना करने के लिए ही ये बॉन्ड सबमिट करा रही है। पैसे देने का प्रोसीजर डायरेक्ट खातों में करती है या फिर दोबारा से हमसे कोई आवेदन भरवाती है, जैसे कि उसने कहा था कि अपना सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट संभाल कर रखे। तो दोस्तों अगर हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट संभालने के लिए कहा गया है, तो शायद कोई प्रोसीजर दोबारा ओरिजिनल बॉन्ड मंगाने का करे, चाहे वो बाय डाक द्वारा करे या कैसे भी करे। तो दोस्तों अभी हम आपसे ये नहीं कह सकते कि पैसे मिलने शुरू हो गए या हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक कहीं से कहीं तक जितने भी ये अखबारों में न्यूज़ दे रहे हैं, साइडों पर दिखा रहे हैं यूट्यूब वाले ऊपर नीचे करके, तो ये सब उसी की उठाकर दिखा रहे हैं कि देखो ये पैसा देना शुरू कर दिया। लेकिन सेबी की वेबसाइट नहीं है दोस्तों, उस पर कहीं से कहीं तक कुछ नहीं अभी दिखाया जा रहा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कोई नई अपडेट नहीं आ जाती तब तक के लिए यूएस खान का आप लोगों से यही कहना है कि किसी भी फेक न्यूज़ में इस वक्त इंटरेस्ट ना रखिए। तो दोस्तों झूठी तसल्ली देने से कोई फायदा नहीं है, तो इसलिए हम आपको कोई झूठी तसल्ली नहीं दे सकते। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।